स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन लोन रहता है वो ले सकते हैं। क्या चीज फिर से बोलिए? एजुकेशन लोन। एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल लोन। देखिए एजुकेशनल लोन्स जो है ना उसके अंदर अक्सर जो होता है वो स्टूडेंट्स को, देखिए एक होता है पूरा कमर्शियल लोन जो सूदी बेसिस पे है, बिल्कुल नहीं ले सकते। एजुकेशनल लोन जो सूदी मॉडल पे है प्योरली, वो नहीं ले सकते। लेकिन एक जो होता है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बाज गवर्नमेंट्स वगैरह उसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक करके एक चार्ज लेती है कि हमने आपको मिसाल के तौर पर आज 10 लाख दिए, अब 10 लाख की क्या वैल्यू रही 5 साल बाद, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर वो लोग कुछ एडिशनल पैसे लेते हैं। लेकिन इस बारे में भी स्कॉलर्स का फतवा ये है कि सीपीआई बेस्ड इंक्रीज करके भी उसके अंदर जो लिया जाता है पैसे बढ़ा करके, वो भी उसको सूद में ही शुमार करते हैं। मतलब बोले कि सीपीआई बेस्ड फंड इंक्रीज करना भी सूद में शुमार है। तो इसी वजह स्कॉलर्स का फतवा है, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 10 लाख आज ले रहे हैं आप और कल आप 12 देंगे 15 देंगे, और भले ही सीपीआई का कहा जा रहा है लेकिन स्कॉलर्स ने इसको अलाउ नहीं किया है। अब जब ये नहीं अलाउड है तो क्या अलाउड है एजुकेशनल फंडिंग के लिए, क्या अलाउड है? तो फिर एक कम्युनिटी ड्रिवन कुछ इनिशिएटिव हो, जो कम्युनिटी ड्रिवन ऐसे बैतुल माल हो जिसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए, या ऐसे फंड्स हो जिसके जरिए स्टूडेंट्स को एक ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। और आपको पता है कि एक मुसलमान जब लोन देता है और उसको उतने पूरे पैसे वापस भी मिलते हैं तो भी क्या होता है, तो भी उसको जितना पैसा उसने दिया, सपोज करो 10 लाख दिया और 10 के 10 लाख वापस आ गए, तो भी उसको 5 लाख का सदके का अजर मिलता है, उसका आधे रकम का सदके का अजर मिलता है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज है कि जिनके पास पैसे रखे हुए हैं वो लोग अपने पैसे ऐसे फंड कायम करके उनको दें, स्टूडेंट्स को दें, वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, कल कमाएंगे, वापस देंगे। और ऐसी मिसालें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी एनजीओस काम कर रही हैं तो उसकी मिसालें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी और कोशिशें होनी चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स, यानी ऐसे आजकल जो एजुकेशन का कॉस्ट इतना बढ़ गया है तो वो उसको कर सकें। एक और चीज है कि जिसके अंदर अर्न एंड लर्न तरीके से कोई कर सकता है, अर्न एंड लर्न तरीके से क्या हो कि भाई कैसे किस तरह से अर्न करेंगे और साथ में पेमेंट भी करते जाएंगे। जी फौज भाई आप भी कुछ टिप्स दीजिए। ये जो मॉडल है अर्न एंड लर्न वाला, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ ज्यादा चलता है। ये बच्चे जो है वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो जाते हैं और साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं। तो इससे क्या रहता है ना, इससे जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बच्चे को भी ये अकल आ जाती है, ये समझ आ जाती है कि किस तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जरूरी है। एनजीओ बेस्ड फंडिंग जरूरी है, इंटरेस्ट फ्री फंडिंग जरूरी है एजुकेशन लोन के लिए और इन नीड ऑफ द आवर है। इससे बड़ी बात मैं बढ़ के ये कहूँगा कि ऐसे हम लोग क्यों ना इस काबिल हो जाएं कि हम लोग यूनिवर्सिटीज खोल लें, हम लोग कॉलेजेस खोल लें, वहाँ पर सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दें, तो ये भी कम्युनिटी ड्रिवन एजेंडा का या कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम का एक यू नो पार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिटी इनिशिएटिव की बहुत ज्यादा कमी है इस वक्त सोसाइटी में और बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है, जो कि ना सिर्फ एक मुसलमान को बल्कि पूरे समाज को, गैर मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं उसे जो है फायदा मिलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर दो ऐसे सेक्टर हैं जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो वेलफेयर के काम है, जिसमें आपके लिए जो भी आपके काम है वो तमाम लोगों के लिए वो फायदा या फैजयाब होंगे इंशाल्लाह इस चीजों के लिए। ठीक है, आपसे ये पूछना था कि हमारे यहाँ अभी महाराष्ट्र और मारवाड़ में कि मौलाना आजाद एजुकेशन लोन मिलता है, मसलन अपने अपने 10 लाख का लोन स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बाद उसपे 3% मतलब जॉब लगे बाद से 3% ऐड होकर अपने को पूरा सब पे करना होता है टोटल, तो परसेंटेज 3% है जी। यही मैंने जो ये बताया ना कि एक नॉमिनल चार्ज लिया जाता है, लेकिन स्कॉलर्स ने इसको भी अलाउ नहीं किया है, वो लोग इसको भी नाजायज और गलत बताते हैं जी। ठीक है, जो ऑप्शन हमने बताए वो सबके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन जो जिक्र कर सकते हैं, इनकम शेयर अग्रीमेंट, कि मिसाल के तौर पे स्टूडेंट के साथ में कोई एक इन्वेस्टर एक अग्रीमेंट कर रहा है कि मैं तुम्हारी एजुकेशन में इन्वेस्ट करूंगा और तुम्हारी जो इनकम होगी उसमें इतना परसेंटेज मेरा शेयर होगा, ये इनकम शेयर अग्रीमेंट। लेकिन इसकी क्योंकि एक इसमें एक टाइप का एसेट है, वो जो स्टूडेंट है वो एक टाइप का एसेट क्रिएट हो रहा है, उसको अपना इनकम का एक छोटा परसेंटेज वगैरह कुछ दे तो ये एक टाइप का अर्निंग पोटेंशियल होता है। लेकिन इसका इनकम शेयर अग्रीमेंट की वैलिडिटी मैं जरा चेक करना चाहता हूँ, बल्कि कुछ स्कॉलर से चेक करके पास करके फिर ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जो बताया जाता है, लेकिन इसकी मैं वैलिडिटी चेक करके फिर ही बता सकता हूँ। हो सकता है मैं अगले हफ्ते तक इनकम शेयर अग्रीमेंट का मैं चेक करके बताऊंगा इंशाल्लाह। वही एक हाँ, तो जहां तक आपने वो पूछा कि 3% इंटरेस्ट देना होगा, तो स्कॉलर्स ने इसको भी अलाउ नहीं किया है। ठीक है,